बात करते हैं एल्विश यादव स्नेक केस के बारे में। सो एल्विश यादव के दोस्त विनय यादव को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इसके ऊपर पुलिस ने एक स्टेटमेंट भी दिया जो कि आप वीडियो में देख सकते हो। और उसके जहर की सप्लाई करने के पूरे मामले में दो और गिरफ्तारियां। विनय विनय क्या कहना चाहेंगे? सात गिरफ्तारियां हो चुकी है। विनय विनय इधर 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 क्या कहना चाहेंगे? दो गिरफ्तारियां जो हुई है उन्हें पुलिस अभी यहां से जा रही है। मुकदमा अपराध संख्या 461/23 जिसमें कुछ दिनों पहले एल्विश यादव की गिरफ्तारी हुई थी, उसी संदर्भ में आज दो अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनका नाम ईश्वर और विनय है। ईश्वर राहुल सपेरा के साथ लगातार कांटेक्ट में रहता था और उनकी मुलाकात भी होती रहती थी। ईश्वर का बैंक्वेट हॉल है और टेंट का काम है जहां पर वो सांपों को बुलाता था और सांपों के जहर को बुलाता था। विनय एल्विश यादव का खास दोस्त है और अक्सर ही वो साथ में उसके रहता है। ईश्वर की विनय से खास दोस्ती थी और दोनों आपस में काफी बात करते थे और एक दूसरे के साथ इन लोगों का बिजनेस लिंकअप भी था। विनय यादव ईश्वर के द्वारा इन सभी की पार्टियां कराता था और एल्विश विनय का इस्तेमाल करता था इन सारी पार्टियों को कराने के लिए। दोनों लोगों को न्यायिक हिरासत में लिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है। सो ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एल्विश यादव, क्या एल्विश यादव को प्लेग्राउंड सीजन 3 से निकाल दिया गया है? सो आपको पता होगा एल्विश यादव प्लेग्राउंड सीजन 3 में जज के तौर पर लिए गए थे, लेकिन अब लगता है कि एल्विश यादव प्लेग्राउंड सीजन 3 से एग्जिट हो चुके हैं क्योंकि एल्विश यादव अभी स्नेक केस में अरेस्ट हैं और वो 14 डेज के लिए जेल में रहेंगे। ऑल्सो जो प्लेग्राउंड सीजन 3 के एड चल रहे हैं उसमें एल्विश यादव का नाम रिमूव कर दिया गया है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, बट अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। खैर इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में बताओ। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।